इसका जो सबसे पहला सेक्शन है द ब्यूरल ऑफ द डेड, द ब्यूरल ऑफ द डेड जो ये टाइटल है ये लिया गया है फ्रेजर के द गोल्डन बो से। द गोल्डन बो एक वर्क है फ्रेजर का, वहीं से ये टाइटल लिया गया है। तो अब जो ये द ब्यूरल ऑफ द डेड है इसमें टी एस एलियट हमें सबसे पहले जो है कि अप्रैल के महीने के बारे में बताते हैं, यानी कि वो दिखाते हैं कि किस तरह से जो लोगों की ह्यूमनिज्म थी, लोगों का रिलीजियस फेथ था, इनोसेंस थी, वो सब चली गई है और अब वो दोबारा वापस नहीं आएंगी। और उसके बाद जो है वो हमें किसी और नैरेटर के पास ले जाते हैं जो कि गर्ल है मैरी, उसका हमें कुछ कन्वर्सेशन दिखाते हैं, उसकी कुछ पुरानी यादों को दिखाते हैं, यानी कि इसमें आपको बहुत सारे सीन्स मिलेंगे और बहुत सारी बातें हैं जो टी एस एलियट हमें इनके माध्यम से बताना चाह रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अप्रैल इज़ द क्रुएलेस्ट मंथ, यहाँ पर टी एस एलियट अप्रैल को क्रुएलेस्ट मंथ बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रीडिंग रिलक्स आउट ऑफ द डेड लैंड, इस टाइम जो है इस समय जो है डेड लैंड से भी, यानी कि वह धरती जो कि पतझड़ में मृत सी हो गई थी वहाँ से फूल खिलने लगते हैं। लिलैक्स जो है एक फूल का नाम है, तो लिलैक्स बाहर निकल आते हैं मिक्सिंग मेमोरी एंड डिज़ायर। और ये जो समय है ये उनकी मेमोरी को, मतलब जो उनके पास्ट में हो चुका है उसकी याद दिलाता है एंड डिज़ायर, और उनकी इच्छाओं को जन्म देता है। इसलिए उन्हें यह महीना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो मेमोरी है उनकी, जो पास्ट टाइम, जो अच्छा टाइम था जहाँ पर लोग बहुत इनोसेंट हुआ करते थे, उनमें आपस में प्रेम रेस्पेक्ट हुआ करता था, वो अब नहीं है। और डिज़ायर जो है वो चाहते हैं कि आगे भी ऐसा समय आए, यानी कि जो पहला समय था वही दोबारा आ जाए, ये उनकी इच्छा है। लेकिन टी एस एलियट जानते हैं कि अब ऐसा नहीं होने वाला है, तो इसीलिए वो इस महीने से इस महीने में खुश नहीं रहते। उन्हें लगता है कि अप्रैल में जब सब कुछ पहले जैसा हो रहा है, बाहर आ रही है, लेकिन इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में कभी भी पहले जैसी बाहर नहीं आ पाएगी। तो वो बोलते हैं कि स्टीरिंग डल रूट्स विद स्प्रिंग रेन, जो डल रूट्स हैं वो भी स्प्रिंग की रेन से जो है खुल जाती हैं, यानी कि जो रूट्स, जो जड़ें जो है वो जो पतझड़ में बिल्कुल बेकार हो गई थी, जिनमें से कुछ भी फूल वगैरह या पौधे, पेड़ पौधे नहीं निकल रहे थे, जब स्प्रिंग की रेन आती है तो वो भी खिल उठती है। लेकिन उनकी लाइफ में अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब उसके बाद वो बताते हैं विंटर के बारे में। तो बोलते हैं टी एस एलियट, विंटर कैप्स आर अस वार्म, जो सर्दी का मौसम है वो हमें वार्म रखता है, कवरिंग अर्थ इन फॉरगेटफुल स्नो, और ये जो पृथ्वी है ये एक स्नो से कवर हो जाती है, फॉरगेटफुल स्नो, ऐसी स्नो से जो कि सब कुछ भुला देती है, यानी कि वो जो बाहर इस पृथ्वी पर आई थी स्प्रिंग में, अप्रैल के महीने में, विंटर में वो सब खत्म हो जाता है, धरती उसके बारे में सब कुछ भूल जाती है और अपने ऊपर स्नो की एक चादर सी ओढ़ लेती है। फीडिंग ए लिटिल लाइफ विद ड्राई ट्यूबर्स, और जो ट्यूबर्स थे यानी कि ड्राई ट्यूबर्स, जो मरी हुई पत्ती या मरे हुए जो भी पेड़ पौधे थे वो जमीन के अंदर जो है चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो विंटर का महीना है, सर्दी का महीना है, सर्दी में क्या होता है कि लोगों की नर्व्स जो है वो डाउन हो जाती है, यानी कि वो कुछ सोचने समझने लायक नहीं रहते, वो सब कुछ अपना भूल जाते हैं। तो इसीलिए जो है टी एस एलियट को ये जो टाइम है, विंटर का जो मौसम है, ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस मौसम में उन्हें कुछ भी याद नहीं आता, वो कुछ भी नहीं सोचते, और पृथ्वी भी सब कुछ भूलकर जैसे अपने आप को स्नो से कवर कर लेती है, ऐसे ही मनुष्य भी अपने आप को सर्दी में गर्म रखने की कोशिश करता है और बाकी सब कुछ भूल जाता है। तो इसीलिए उन्हें विंटर का मौसम अच्छा लगता है, अप्रैल का जो महीना है वो उन्हें बिल्कुल क्रूएल लगता है। नेक्स्ट, अब जो है यहाँ पर टी एस एलियट ने हमें उस मंथ के बारे में बताया, लेकिन अब क्या होता है कि अब नैरेटर चेंज हो जाता है। अब जो नैरेटर है वो एक गर्ल है मैरी, जो कि अपने पास्ट टाइम के बारे में बताती है। वो बताती है कि समर सरप्राइज डस कमिंग ओवर द स्टेन बर्जर्सी, स्टेन बर्जर्सी जो है वो एक लेक है। तो वो बोलते हैं कि गर्मी ने हमें सरप्राइज कर दिया, हम जब स्टेन बर्जर्सी पर घूमने के लिए आए थे, स्टेन बर्जर्सी जो एक झील है उस पर हम घूमने के लिए आए थे, तो क्या हुआ कि विदेश ओवर ऑफ रेन, यानी कि समर सरप्राइज अस विदेश ओवर ऑफ रेन, गर्मी ने हमें सरप्राइज कर दिया जब उस वहाँ पर बारिश की बौछार आने लगी, यानी कि वहाँ पर बारिश होने लगी। वी स्टॉप इन द कोलोनेड, हम कोलोनेड के नीचे रुक गए। कोलोनेड जो होता है वो पेड़ों की कतार सी होती है, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हो तो उसके नीचे जो है थोड़ी बहुत शैडो होती है, तो वहाँ पर ही वो रुक गए बारिश से बचने के लिए। एंड वेंट ऑन इन सनलाइट, और जब सूर्य का प्रकाश निकला तो वो फिर चलने लगे इन द होफ गार्डन, वो होफ गार्डन में गए एक एंड ड्रैंक कॉफ़ी, कॉफ़ी पीने के लिए, जो होफ गार्डन एक कॉफ़ी बार है, तो वहाँ पर जो है वो कॉफ़ी पीने के लिए गए। एंड टॉक्ड फॉर एन आवर, और हमने लगभग एक घंटे तक बातें की। अब जो ये लाइन है, बिन कर के ने रसिन स्टैन ओस लिटवैन ईस्ट ड्यूट्स, ये जो लाइन है ये जर्मनी में लिखी गई है, और इसका मतलब है आई एम सर्टेनली नो रशियन, बीनगर केन रशियन, मतलब आई एम सर्टेनली नो रशियन, और इसका मतलब है कि आई केम फ्रॉम लिथुआनिया, लिथुआनिया एक सिटी है, फिर इसका मतलब है कि आई एम ट्रू जर्मन, यानी कि मैं सच्ची जर्मन हूँ, मैं कोई रशियन नहीं हूँ और मैं लिथुआनिया से आई हूँ। अब जो है वो आगे बोलते हैं, एंड व्हेन वी वर चिल्ड्रन स्टेइंग एट आर ड्यूक्स,
अब वो अपने पास टाइम के बारे में बताती है कि जब हम बच्चे थे स्टेइंग एट आर्क ड्यूक्स, तो हम आर्क ड्यूक के यहाँ पर रहते थे। आर्क ड्यूक जो है माय कज़न, मेरा कज़िन, यानी कि हम अपने कज़िन आर्क ड्यूक के यहाँ जाते थे। ही टुक मी आउट ऑन स्लैड, वह मुझे एक बार स्लैड की सवारी कराने के लिए ले गया। स्लैड जो होता है बर्फ़ की जो गाड़ी होती है जो खींच कर चलती है बर्फ़ में। एंड आई वॉज फ्राइटेंड, और मैं डरी हुई थी। ही सैड, उसने कहा, मैरी मैरी होल्ड ऑन टाइट, मैरी मैरी कसकर पकड़ो। एंड डाउन वी वेंट, और हम उस गाड़ी में फिसलते हुए नीचे चले गए। इन द माउंटेंस, पर्वतों के बीच में। देयर यू फील फ्री, और वहाँ पर तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम बिल्कुल फ्री हो, तुम अपने आप को मुक्त महसूस करोगे। यानी कि ये जो मैरी है ये अपने पास्ट के बारे में बता रही है। जब सर्दियों में वो अपने कज़न आर्क ड्यूक के यहाँ जाती थी तो वो घूमने जाते थे, वो किस तरह पर्वतों में बर्फ़ में खेलते थे, वो सब वो बातें बता रही है। लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्योंकि जो नेक्स्ट लाइन है आई रीड मच ऑफ द नाइट वाली, इसमें क्या है, वो अपने प्रेजेंट के बारे में बता रही है। तो वो कहती है कि आई रीड मच ऑफ द नाइट, अब क्या है, अब मैं रातों को देर तक पढ़ती हूँ। यानी कि जो मैं पर्वतों में पहले बर्फ में इंजॉय करती थी, अब वो इंजॉयमेंट नहीं है, अब मैं सिर्फ किताबें पढ़ती हूँ। एंड गो साउथ इन द विंटर, और विंटर में मैं साउथ की ओर चले जाती हूँ। यानी कि अब मैं अपने कज़न के यहाँ नहीं जाती, बल्कि मैं साउथ में चली जाती हूँ विंटर में। तो ये जो पैराग्राफ है ये हमें बताता है कि पास्ट टाइम कितना अच्छा था और प्रेजेंट टाइम कितना बुरा है। नेक्स्ट, अब जो ये लाइन है, जो नेक्स्ट जो स्टेंजा है, ये बाइबल से लिया गया है। और इसमें जो टीएस इलियट है वो जीसस क्राइस्ट से पूछ रहे हैं। तो वो पूछते हैं कि व्हाट आर द रूट्स दैट क्लच, वे कौन सी जड़ें हैं जो क्लच करेंगी, जो पकड़ लेंगी इस धरती को। व्हाट ब्रांचेस ग्रो, और वे कौन सी शाखाएं हैं जो उगेगी। आउट ऑफ दिस स्टोनी रबिस, इस पथरीली जमीन पर। सन ऑफ मैन, जीसस क्राइस्ट। तो वो जीसस क्राइस्ट से पूछते हैं कि इस पथरीली जमीन पर कौन सी शाखाएं उग सकती हैं और कौन सी जड़ें जो हैं पृथ्वी में पनप सकती हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्टोनी रबिस से यहाँ मतलब है कि संसार से, जो ये स्टोन का हो चुका है, पत्थर का हो चुका है, इसमें अब कौन सी जो रूट्स हैं, यानी कि कौन सी आदतें हैं, कौन सी जो अच्छाई है जो पनप सकती हैं। या इसका मतलब है कि अब जो संसार है वो बिल्कुल स्टोन पत्थर जैसा हो गया है, और अब यहाँ पर कोई भी अच्छी चीज़ जन्म नहीं ले सकती, और अगर जन्म लिया तो वो पनप नहीं सकते, कोई भी ब्रांचेस यहाँ पर खुशियों की ग्रो नहीं हो सकती। अब वो बोलता है कि यू कैन नॉट से, तुम नहीं कह सकते, और गैस, तुम तो अनुमान भी नहीं लगा सकते। फॉर यू नो ओनली ए हीप ऑफ ब्रोकन इमेज, क्योंकि तुम तो केवल उसी चीज़ के बारे में जानते हो। किस चीज़ के बारे में? ए हीप ऑफ ब्रोकन इमेज, कुछ टूटे हुए इमेज के टुकड़ों के बारे में। कुछ टूटी हुई जो इमेज है उनके ढेर लगा हुआ है, उसको तुमने देखा है। वेयर द सन बीट्स, जहाँ पर कि सूर्य बहुत तेज चमकता है। एंड द डेड ट्री गिव नो शेल्टर, और जो मरे हुए पेड़ हैं वो कोई भी शेल्टर, कोई भी शरण हमें नहीं देते। यहाँ पर डेड ट्री से मतलब है उनकी टीचिंग का, यानी कि जो जीसस क्राइस्ट ने हमें सिखाया था वो आज के युग में खत्म हो गया है, उसे हम कोई उसकी हमें कोई परवाह नहीं है। तो यहाँ पर उन्हें डेड ट्री कहा गया है। द क्रिकेट नो रिलीफ, ना ही कोई जुगनू हमें आनंद देता है, यानी कि अब यहाँ पर जुगनू भी नहीं गाते, ये बिल्कुल बंजर हो गई है, जमीन पथरीली हो गई है। एंड द ड्राई स्टोन्स, नो साउंड ऑफ वाटर, और ये बिल्कुल सूखे हुए पत्थर है, ड्राई स्टोन सूखे हुए पत्थर है। नो साउंड ऑफ वाटर, यहाँ पर पानी की कोई भी आवाज़ नहीं है। ओनली देयर इज शैडो अंडर दिस रेड रॉक, अगर यहाँ पर कहीं छाया है, कहीं पर शैडो है, तो वो अंडर दिस रेड रॉक, इस लाल रॉक के नीचे है, ये जो लाल चट्टान है। ये लाल चट्टान जो है यहाँ पर एक चर्च को बोला गया है कि इस चर्च के नीचे है, या इसका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि कहीं पर भी तुम्हें शरण नहीं मिलेगी, कहीं पर भी तुम्हें आराम नहीं मिलेगा, केवल जो है वो गॉड के शरण में अगर तुम आ जाओगे तो ही तुम्हें आराम मिलेगा। कम इन अंडर द शैडो ऑफ दिस रेड रॉक, और यहाँ पर इलियट हमें कहते हैं कि इस रेड रॉक की छाया में आ जाओ, यानी कि भगवान की छाया के अंदर में आ जाओ, भगवान की शरण ले लो। एंड आई विल शो यू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम आइदर, और मैं तुम्हें कुछ अलग दिखाऊंगा। आइदर योर शैडो एट मॉर्निंग स्टैंडिंग बिहाइंड यू, तुम्हारी छाया जो कि सुबह के समय तुम्हारे पीछे होती है, और योर शैडो, या फिर तुम्हारी छाया एट इवनिंग, शाम के समय, राइजिंग टू मीट यू, जो कि तुम्हारे आगे होती है, ऐसा लगता है कि मैं तुमसे मिलना चाह रही हूँ। इसमें जो मॉर्निंग की शैडो है ये सिम्बलाइज करती है हमारे यंग एज को, और जो इवनिंग की शैडो है सिम्बलाइज करती है हमारी ओल्ड एज को। आई विल शो यू फियर इन ए हैंडफुल ऑफ डस्ट, मैं तुम्हें कुछ डर दिखाऊंगा, एक मुट्ठी भर डर। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जो छाया तुम्हारी, यानी कि तुम्हारी जो जवानी है और जो तुम्हारी ओल्ड एज है, जिसमें कि राइजिंग टू मीट यू का मतलब है कि तुम्हारी जो डेथ है वो जो तुमसे मिलने के लिए तत्पर रहती है, उनसे भी अलग मैं तुम्हें कुछ डर महसूस कराऊंगा। अब जो नेक्स्ट लाइन है ये जर्मन में लिखी गई है, जो कि एक जर्मन पोएट थे रिचार्ड वैगनर, और उनका एक ओपेरा था ट्रिस्टन एंड आइसोल्ड, वहाँ से ये लाइनें ली गई है। और इसका मतलब है कि जो ट्रिस्टन था वो एक सेलर थे, यानी कि जो ट्रिस्टन एंड आइसोल्ड जो है वो
एक कपल थे, उनमें सेलर जो मेल था वो सेलर था, और वो अपनी बिलव्ड से कहता है कि ही वॉज वेटिंग फॉर हर एंड द विंड वॉज ब्लोइंग. ए सेलर टेल्स हर बिलव्ड दैट ही वॉज वेटिंग फॉर हर एंड द विंड वॉज ब्लोइंग. यानी कि जो नाविक है वो अपनी बिलव्ड से कहता है कि मैं उसका तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, और जो ये हवा है ये बहुत ही अच्छी धीमी धीमी बह रही है. नेक्स्ट, अब फिर से सीन चेंज हो जाता है. अब जो नैरेटर है वो एक अननाउन गर्ल है जो कि हमें अपने लवर के बारे में बताती है. तो वो बोलती है, यू गेव मी हाइसिंथ फर्स्ट ए ईयर एगो. तुमने एक साल पहले मुझे हाइसिंथ के फूल दिए थे. हाइसिंथ एक फ्लावर्स का नाम है. तो वो कहती है कि तुमने एक साल पहले मुझे हाइसिंथ के फूल दिए थे. दे कॉल्ड मी द हाइसिंथ गर्ल. और इसीलिए सब लोग मुझे हाइसिंथ गर्ल बुलाने लगे, क्योंकि तुमने मुझे हाइसिंथ के फूल दिए थे तो इसीलिए सब लोग भी मुझे हाइसिंथ गर्ल ही बुलाने लगे. येट व्हेन वी केम बैक जब हम वापस आए थे लेट रात को देर में, फ्रॉम द हाइसिंथ गार्डन, हाइसिंथ गार्डन से, यानी कि जब हाइसिंथ बगीचे से हम वापस आए थे, योर आर्म्स फुल, तो तुम्हारे जो हाथ थे वे भरे हुए थे, एंड योर हेयर वेट, और जो तुम्हारे बाल थे वो गीले थे. आई कुड नॉट स्पीक, मैं बोल नहीं पा रही थी, एंड माई आईज फेल्ड, और मेरी आंखें कुछ भी नहीं देख पा रही थी. आई वॉज नाइदर लिविंग नॉर डेड, मैं ना तो जीवित थी और ना ही मरी हुई थी. यानी कि यह है कि इसका मतलब यह है कि मैं एक ऐसी सिचुएशन में थी, मैं फेंट थी, मैं बेहोश टाइप थी, कि ना तो मैं देख पा रही थी कुछ, ना ही मैं कुछ सुन पा रही थी, ना ही मैं कुछ बोल पा रही थी. ऐसा लग रहा था कि मैं जीवित ही नहीं हूँ, लेकिन मैं मरी हुई भी नहीं थी. एंड आई न्यू नथिंग, और मैं कुछ भी नहीं जानती थी. लुकिंग इन टू द हार्ट ऑफ लाइट, मैं केवल तुम्हारे हृदय को देख रही थी, यानी कि मैं केवल तुम्हारे हृदय में अपने लिए प्यार ढूंढ रही थी. द साइलेंस, और वहाँ पर क्या था, वहाँ पर केवल साइलेंस था, केवल वहाँ पर शांति थी. नाउ अब जो ये लाइन है ये फिर से जो है जर्मन में लिखी गई है, और ये वो ट्रिस्टन एंड आइसोलेट से ली गई है. इसमें जो वो बोलता है, जो अपनी जो बिलव्ड का वेट कर रहा था ट्रिस्टन, तो वो कहता है कि द सी इज एम्पटी, यानी कि जो समुद्र है ये बिल्कुल डेसोलेट है और एम्पटी है, बिल्कुल वीरान है. डेसोलेट एंड एम्पटी इज द सी, इसका मीनिंग है डेसोलेट एंड एम्पटी इज द सी, यानी कि समुद्र बिल्कुल ही वीरान है. वो अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा है लेकिन वो नहीं आ रही, दूर दूर तक उसका कोई भी शाइन उसे नहीं दिखाई दे रहा. नाउ फिर से नेक्स्ट, अब फिर सीन चेंज होता है. अब जो हमारी नैरेटर है वो मैडम सोसोरिस्टिस है, जो कि एक फेमस फॉर्चून टेलर है, जो ये क्लेवरेंटे इसको बोलते हैं, जो कि टैरेट से जो लोगों का फ्यूचर बताती है. तो यहाँ पर बताते हैं कि मैडम सोसोस्ट्रिस फेमस क्लेयरवेंटे हैड ए बैड कोल्ड, यानी कि जो मैडम सोसोस्ट्रिस है, जो एक फेमस फॉर्चून टेलर है, एक भविष्य जो बताने वाली है, उसको बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ है. इसका मतलब ये है कि जो मैडम सोसोस्ट्रिस भी कोई आम ह्यूमन की तरह ही है, कोई यूनिक चीज़ नहीं है, कोई अलग से नहीं आई है, वो भी हमारी तरह ही है. वो दूसरों को तो अपना भविष्य बताती है लेकिन शायद उसे अपना ही भविष्य नहीं पता, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है. Nevertheless, is known to be the wisest man in Europe. लेकिन फिर भी उसे यूरोप की सबसे ज़्यादा वाइज वूमैन माना जाता है, वो सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट वूमैन यूरोप की मानी जाती है. विद ए विक्ड पैक ऑफ कार्ड्स, उसके पास पैक ऑफ कार्ड्स है, यानी कि उसके पास बहुत सारे कार्ड है, हेयर सेट सी, और वो बोलती है. अब वो है, वो शायद अपने कस्टमर को दिखा रही है कार्ड, वो अपने कस्टमर से बातें कर रही है, तो वो कहते हैं कि ये लो इज योर कार्ड, ये तुम्हारा कार्ड है. द ड्राउन फोनिशियन सेलर, डूबते हुए फोनिशियन सेलर का कार्ड. अब जो ये फोनिशियन सेलर थे, ये एक ग्रुप था सेलर का जो कि फोनिशिया नाम की सिटी में रहता था. तो ये जो सेलर का जो ग्रुप था ये समुद्र में डूब गया था. तो वो कहती है, दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आइज, लुक, देखो उनकी आंखें जो कि अब मोती बन गई हैं, यानी कि ये जो आंखें थी उनकी जो वो डूब गए थे, अब उनकी आंखें मोती बन गई हैं. हियर इज बेलाडोना द लेडी ऑफ द रॉक्स, ये कार्ड है बेलाडोना का, जिसे कि लेडी ऑफ द रॉक्स भी कहा जाता है. द लेडी ऑफ सिचुएशंस, यानी कि वो एक ऐसी लेडी थी जो कि सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो जाया करती थी, यानी कि जैसे भी सिचुएशन हो, तो अगर सिचुएशन एंगर वाली हो तो वो एंग्री हो जाती थी, अच्छी हो तो वो हंस लेती थी, यानी कि सिचुएशन वाली लेडी थी. हेयर इज द मैन विथ थ्री स्टेव्स, और ये एक मैन है जिसके के पास थ्री स्टेव्स है. एंड हेयर द व्हील, और ये व्हील का, ये चक्र का कार्ड. एंड हेयर इज द वन आइड मर्चेंट, और ये एक वन आइड मर्चेंट है, एक आंख वाला व्यापारी है. इस वन आइड मर्चेंट को हम अगले नेक्स्ट जो द फायर सर्मन है उसमें हम पढ़ेंगे. एंड दिस कार्ड, और ये कार्ड विच इज ब्लैंक, जो कि खाली है. इज समथिंग ही कैरीज ऑन हिज बैक, ये एक ऐसा कार्ड है जिसमें कि कोई व्यक्ति कुछ अपने कंधे पर लेकर जा रहा है, अपनी पीठ पर
लेकर जा रहा है, विच आई एम फॉरबिडन टू सी, लेकिन मुझे यह कार्ड देखना मना है, यानी कि मैं इस कार्ड को नहीं देख सकती। आई डो नॉट फाइंड द हैंग्ड मैन, मुझे हैंग्ड मैन का कार्ड नहीं मिल रहा। या हैंग्ड मैन के कार्ड से जो टीएस इलियट का तात्पर्य है वो जीसस क्राइस्ट से है जब उनको हैंग कर दिया गया था, तो यहाँ पर भी वो यही दिखाना चाहते हैं कि मतलब हैंग मैन का कार्ड नहीं मिल रहा, यानी कि उनकी लाइफ में जो अब जीसस क्राइस्ट का कोई इंपॉर्टेंस रह ही नहीं गई है लोगों की लाइफ में आजकल के। फियर डेथ बाय वाटर, फियर डेथ बाय वाटर, पानी के डर का ये जो कार्ड है, एक और कार्ड वो दिखाती है, और जो ये डेथ बाय वाटर है ये हमारा सेक्शन भी है इस पोयम में। आई सी क्राउड ऑफ पीपल्स वॉकिंग राउंड इन ए रिंग, मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ जो कि एक गोल गोल घेरे में चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, यानी कि सुबह से शाम, शाम से सुबह, बस उनका यही रूटीन है। मैं ऐसे लोगों की बहुत सी भीड़ को देखती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। अब वो अपने जो कस्टमर है उसको बोलती है कि थैंक यू, और फिर वो अपने कस्टमर से बोलती है कि इफ़ यू सी डियर मिसिस इक्विटोन, अगर तुम्हें मिसिस इक्विटोन मिले, टेल हर, तो उन्हें बताना आई ब्रिंग द होरोस्कोप माई सेल्फ, कि मैं उनका होरोस्कोप खुद लेकर आऊँगी। यानी कि वो बोलते हैं कि मिसेस इक्विटन को बताना कि मैंने उनका होरोस्कोप बना लिया है और मैं उसे उनके पास खुद लेकर आऊँगी। क्यों? क्योंकि वन मस्ट बी सो केयरफुल दिस डे, प्रत्येक व्यक्ति को इस समय बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। अब यहाँ पर इसके भी दो मीनिंग्स हैं, अब यहाँ पर इसके भी दो मीनिंग्स हैं। वन मस्ट बी सो केयरफुल दिस डे, इसका मतलब है कि जो ये जो कार्ड रीडर का जो उस टाइम बिजनेस था वो इल्लीगल था, तो इसीलिए वो कह रही है कि उसे केयरफुल रहना चाहिए। और दूसरा आप लोग कह सकते हो कि आजकल का जो वर्ल्ड है, आजकल का जो सोसाइटी है वो बहुत बेकार हो गई है, इसीलिए सबको केयरफुल रहना चाहिए, सबको एक दूसरे से बचकर रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ ख़त्म होता है। नाउ अब लास्ट जो इसका सेशन है, इसमें जो एटीएस इलियट है वो सिटी के बारे में, यानी कि लंदन सिटी के बारे में बता रहे हैं, और लंदन सिटी को कहते हैं कि अनरियल सिटी, ये बिल्कुल ही अनरियल सिटी है। अंडर द ब्राउन फॉग ए विंटर डॉन, सुबह का समय है, डॉन यानी कि सुबह का समय है सर्दियों की, और ब्राउन फॉग जो है भूरे कलर की जो फॉग है वो चारों तरफ फैल रही है, और इसी फॉग में एक क्राउड, एक भीड़, किसकी, लोगों की भीड़, फ्लोड ओवर लंदन ब्रिज, लंदन ब्रिज के ऊपर फ्लो हो रही है, चल रही है, सो मैनी, वो बहुत सारे हैं, यानी कि बहुत सारे लोग लंदन ब्रिज पर चल रहे हैं। आई हैड नॉट थॉट डेथ हैड अंडन सो मैनी, मैं सोच भी नहीं सकता कि मृत्यु ने, डेथ ने इतने लोगों को छोड़ दिया है। या इसका मतलब कहने का ये है कि ये लोग जो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे ये ज़ॉम्बी हो, मतलब ये ना तो मरे हुए हैं और ना ही ये जीवित है, डेथ ने भी इन्हें छोड़ दिया है। साइज ये आए भर रहे हैं, शॉर्ट एंड इनफ्रिक्वेंट वर एक्सेल्ड, यानी कि थके हुए भी लग रहे हैं, कुछ शॉर्ट है, इनफ्रिक्वेंट है। एंड ईच मैन फिक्स्ड हिज आइज बिफोर हिज फीट, और प्रत्येक व्यक्ति की जो आंखें हैं वो उसके फीट पर गड़ाए हुए हैं, यानी कि वे लोग नीचे की ओर देख रहे हैं, जैसे ज़ॉम्बीज होते हैं उसी तरह यहाँ पर उनका डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी कि वो लोग ऐसे लग रहे हैं कि जैसे वो ना तो जी रहे हैं और ना ही मर रहे हैं। फ्लोड अप द हिल एंड डाउन किंग विलियम स्ट्रीट, और वे पहाड़ी को पार करते हुए नीचे किंग विलियम स्ट्रीट में आते हैं। टू वेयर, जहाँ पर सेंट मैरी वुलनूथ, सेंट मैरी जो ये है एक चर्च का नाम है, वुलनूथ कैप द आवर्स विद ए डेड साउंड ऑन द फाइनल स्ट्रोक ऑफ 9, जहाँ पर कि जो मैरी सेंट मैरी जो चर्च है वहाँ पर लगा हुआ जो घंटा यानी कि जो वॉच है वो क्या करती है, वो फाइनल स्ट्रोक ऑफ 9 बजाती है, यानी कि 9 बजे की घंटी वो बजाती है, और ये उनके लिए डेड साउंड है। डेड साउंड इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि उस टाइम जो ऑफिस का टाइम था वो 9 से स्टार्ट होता था, तो जब 9 बजते ही क्या है सब लोगों को अपने ऑफिस पहुँचने की जल्दी हो जाती है, वो उनके लिए एक डेड साउंड की तरह है कि अब उनके काम करने का समय स्टार्ट हो गया है। देयर आई सा वन आई न्यू, वहाँ पर मैंने एक व्यक्ति को देखा, आई सा मैंने देखा एक व्यक्ति को, आई न्यू जिसे कि मैं जानता था, एंड स्टॉप हिम, और मैंने उसे रोका, क्राइंग चिल्लाया मैं, यानी कि मैंने उसे रोका, चिल्लाते हुए बोला, स्टेटसन स्टेटसन रुको, यू हु वर विद मी इन द शिप्स एट माइले, तुम वही हो ना जो मेरे साथ माइले में जहाज पर थे, जो माइले का बैटल हुआ था एक, वहाँ पर जो है स्टेटसन स्पीकर के साथ जो है स्टेटसन ने युद्ध लड़ा था, तो वो बोलते कि तुम वही हो ना जो माइले में शिप पर मेरे साथ थे। डैट कॉर्प्स यू प्लांटेड लास्ट ईयर इन योर गार्डन, वो कॉर्प्स देखिए, अब यहाँ पर ये कॉर्प्स देखिए, इसका मतलब होता है लाशें, तो यहाँ पर एक तरह का पन जो है वो टीएस इलियट हमें दे रहे हैं, यानी कि वो पेड़ पौधों की बजाय वो कॉर्प्स बोल रहे हैं, लाशें बोल रहे हैं। यू प्लांटेड लास्ट ईयर इन योर गार्डन, तुमने जो अपने गार्डन में लास्ट ईयर पिछले साल जो कॉर्प्स प्लांट किए थे, जो लाशें तुमने बोई थी, हैज़ इट बिगन टू स्प्राउट, क्या वे निकलनी शुरू हो गई है, क्या उसमें अंकुर फूट गया है, विल इट ब्लूम दिस ईयर, या फिर वो इस साल ब्लूम होगी, या फिर वो इस साल खिलेंगी।
और हैज द सडन फ्रॉस्ट डिस्टर्ब्ड इट्स बेड, और क्या इस ठंड ने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया है, यानी कि क्या इस ठंड ने उन्हें नुकसान पहुंचा दिया है। ओ कीप द डॉग फार हैंड्स, अपने कुत्ते को उनसे दूर रखना, दैट इज फ्रेंड टू मैन, वह व्यक्ति का मित्र होता है। और विद हिज नेल्स ही विल डिग इट अप अगेन, और वे अपने नाखूनों से इसे दोबारा खोद देगा, यानी कि जो तुमने कॉर्प्स अपने गार्डन में बोई थी, जो डॉग है वो अपने नेल से खुदाई इसकी कर देगा, उसे बाहर निकाल देगा। यू हैपोक्राइट लेक्टर मोन सेम्बलेबल मोन फेरी, अब जो ये लाइन है ये फ्रेंच में लिखी है, इसमें जो टी एस इलियट है वो अपने रीडर को बोलते हैं कि यू हाइपोक्रेट लिक्चर, तुम यू हाइपोक्रेट रीडर, मोन सेम्बलेबल माई फेलो मोन फेरी, यानी कि माई ब्रदर, यानी कि वो हमें बोलते हैं, जो रीडर है जो कि इस पोएम को पढ़ रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि यू हाइपोक्रेट रीडर माई फेलो माई ब्रदर, कि तुम भी मेरे ही जैसे हो या मैं भी तुम्हारे ही जैसा हाइपोक्रेट हूँ। जो इसका ये फर्स्ट सेक्शन था ये खत्म होता है यहाँ पर, ये फिनिश होता है। इसमें आपने देखा कि कितने सारे सीन थे, कितनी सारी बातें जो टी एस इलियट हमें बताना चाह रहे थे।